हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो 15 बेस्ट क्वेश्चन लाया हूँ, और 15 जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है ना, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज योर एग्जाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आई हैव सिलेक्टेड ऑल दीज 15 क्वेश्चन, एंड दीज ऑल दीज क्वेश्चन आर मोस्ट प्रोबेबल, सो Study very seriously, diligently, diligently. तो इसको आप क्या करें, स्टडी करिए सारे क्वेश्चंस के, जितने भी 15 क्वेश्चंस हैं। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, आंसर भी लिख दिया, और ये आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने निकाला है, ठीक है। मैं अपने पिटारे से इसको निकाल के आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है, इट इज हाई टाइम, तो इसके फॉर इस पर्पज से हम आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वन बाय वन करके हम लोग देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इस बार मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया है, क्वेश्चन बनाने के बाद मैंने आंसर भी लिख दिया है, ताकि आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपका ये एग्जाम होगा जब, उसके एक रात पहले अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ लखनऊ जा रहे हैं, या जिस भी सेंटर पे आरएमसी के जा रहे हैं, या सैनिक के जा रहे हैं, या RMS पे जा रहे हैं, तो एक दो रात के पहले आप इस वीडियो को, मेरे चैनल को अगर आप खोलेंगे, तो सब कुछ एकदम ताजा ताजा हो जाएगा, और वहां जाके आप जो है हिट कर देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कई साल से बच्चों को एग्जाम दिलाने ले जाता हूँ, तो कई पेरेंट्स उसमें यूट्यूब चैनल पे इतना ज्यादा स्टडी इतना लोग पढ़ाते नहीं थे, मुझे याद है, तो बहुत सारी वीडियोस मिल नहीं पाते थे, तो बच्चे क्या करते थे, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मंगाते, सर आप अगर कोई बनाए हो तो मुझे आप प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा कल पेपर है, आज रात होटल में जब रुकते थे, तो मुझे वो दिन याद है, समझ रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ऐसे वीडियो मैं बना रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं उन वीडियो उन क्वेश्चंस को आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में कर पाए, अगर आप स्टैटिक थोड़ा भी अच्छा किए होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या है कि ज्योग्राफी हुआ, फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, केमिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, दो क्वेश्चन हार्डली, मैं RMC की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा जो है, उसपे हम लोग को बिल्कुल एकदम पकड़ बनाए रखना है, ग्रिप बनाए रखना है, ठीक है ना। चलो फिर हम लोग चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच टीम वन दिलीप ट्रॉफी 2021-22 की दिलीप ट्रॉफी कौन टीम जीती थी? तो आंसर हमारा है वेस्ट जोन, जो रेड कलर से लिखा है, और उसने साउथ जोन को बीट किया था, मतलब रनर अप जो था वो साउथ जोन था, और जो हमारा विनर था, हमारी जो टीम थी वो वेस्ट जोन थी। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, 2021-22 का जो दिलीप ट्रॉफी विनर टीम है वो है हमारी वेस्ट जोन, नोट कर लीजिए वेस्ट जोन। अगला हमारा फिर क्वेश्चन आपको है, और दिलीप ट्रॉफी को पूछ लिया जाएगा, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसको मुंबई ने जीता है और विदर्भा को हराया था, तो विदर्भ हमारा जो है वो रनर अप रहा, और मुंबई हमारी जो है वो इस साल की विनर है सीके नायडू ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अंडर-19 वर्ल्ड कप, मुझे अभी भी याद है, अंडर-19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में एंटीगुआ में खेला गया था, लास्ट जो फाइनल मैच था, और वो किसके किसके बीच में खेला गया था, समझ रहे हैं, एक टीम हमारी इंग्लैंड थी जो फाइनल में पहुंची थी, और एक इंडिया थी। तो क्वेश्चन है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती थी, व्हिच टीम
won under 19 cricket trophy, world cup trophy कौन जीता था? तो आंसर हमारा है इंडिया, ठीक है इंडिया। नेक्स्ट हमारा, मैं सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे बनाया हूँ, सारे क्वेश्चन। अब जो आपका अगला वीडियो आएगा वो नेशनल और इंटरनेशनल पे आएगा, एक वीडियो आपको मिलिट्री एक्सरसाइज पे आएगा, इस तरह से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। इसलिए अब बिल्कुल 30 दिन तो मेरे चैनल को गले से लगा लीजिए, एकदम गले से लगा लीजिए और चिपक जाइए मेरे चैनल पे, अगर इफ यू आर रियली सीरियस टू क्रैक आवर एमसी। तो आप चैनल को रेगुलरली आप देखते रहिए और पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वन विमेंस सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन। इस बार जो यूएस ओपन हुआ था, आप जानते हो कि हमारे जो मेजर ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, वो यूएस ओपन है, विंबलडन है और फ्रेंच ओपन है, ठीक है। ये चार हमारे मेन ग्रैंड स्लैम है जो कि सबसे पहले जनवरी के महीने में ही ऑस्ट्रेलियन शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है वो जनवरी के महीने में शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस साल का पूछा जा रहा है क्वेश्चन है कि हु वन विमेन सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2022। तो ये है, इस बार की नई लड़की है जो जीती है वो है ईगा स्वायटेक जो कि पोलैंड की है। इसने जो है इस बार की यूएस ओपन 2022 जीती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच प्लेयर या व्हिच स्पोर्ट पर्सन या व्हिच टेनिस प्लेयर वन मेन सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन। तो ये भी अब की नई पहली बार जीता है और ये है कार्लोस अल्कार्स गार्फिया, ये इन्होंने जीता है इस टाइटल को, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच एशियन टीम वन क्रिकेट मेंस टूर्नामेंट 2022। एशिया कप अभी हुआ था जो मेंस का हुआ था, जिसमें कि क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप हुआ था जिसमें एशिया की ही टीमें पार्टिसिपेट की थी। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी टीम एशिया कप जीती थी? तो आंसर हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा के ये मैच जीत लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री वन एशिया कप इन क्रिकेट 2022 इन विमेन्स कैटेगरी। अभी हाल ही में विमेन एशिया कप हुआ था और उसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सी टीम जीती थी? तो हमारी इंडिया है, इंडिया ने ये खिताब जीती। अभी तक आपको पता था कि सौरभ गांगुली हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, तो अभी जो है वो बीसीसीआई की जो पैनल बैठा, कमेटी बैठी, उसमें मीटिंग हुई, तो उसमें नया बीसीसीआई प्रेसिडेंट चुना गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटेन किए गए हैं, जो सेक्रेटरी हैं जैसे जय शाह हैं, और कुछ लोगों की छुट्टी हो गई। तो इस बार जो नया बीसीसीआई प्रेसिडेंट चुना गया वो कौन है? तो इज नन अदर देन रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है वो इंडिया के बॉलर थे जिनके बेटे का नाम है स्टुअर्ट बिन्नी, ठीक है ना। उनके पिताजी का नाम है रोजर बिन्नी, ये नए बीसीसीआई के चीफ हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। हु इज द कैप्टन ऑफ अंडर 19 क्रिकेट टीम? अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? तो वो है यश धुल। नाम एक बार फिर से सुन लीजिएगा, यश धुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हिच टीम वन रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी तक आज तक कभी वो स्टेट ने कभी रणजी ट्रॉफी नहीं जीता था, इस बार उसने रणजी ट्रॉफी जीता है। तो वो कौन सी टीम है? वो है कौन सा स्टेट है या कौन सी टीम है? तो मध्य प्रदेश की टीम है। तो मध्य प्रदेश ने 2022 का रणजी ट्रॉफी जीत लिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, व्हिच टीम वन डूरंड कप? डूरंड कप 2022 का डूरंड कप कौन जीता है? तो बेंगलुरु एफसी ने जीता है, ठीक है ना। ये डूरंड कप इस साल का बेंगलुरु एफसी ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच टीम वन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द ईयर
2022 तो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी कौन जीता है, तो मुंबई ने जीता है, ठीक है ना, ये आप टिक कर लीजिए मुंबई। और अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हिच प्लेयर वन मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का। ऑस्ट्रेलियन ओपन जब जनवरी में शुरू हुआ था तो किसने मेंस टाइटल जीता है, तो वो है राफेल नडाल, क्योंकि उसमें मुझे याद है जहाँ तक वो नोवाक जो कोविड हो गया था और उनको वहाँ के पीएम ने कह दिया था कि आप नहीं खेल सकते, वहाँ के स्पोर्ट अथॉरिटी ने कह दिया था, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं टीका लगवा लूँगा, उसके बावजूद भी उनको खेलना नहीं दिया गया, काफ़ी प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ था, ठीक है विरोध भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं खेल पाए ऑस्ट्रेलियन ओपन, और राफेल नडाल को मौका मिला और ये जो है टाइटल को ही क्लिंच द ट्रॉफी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस कैटेगरी में राफेल नडाल को ये ट्रॉफी मिला, जीती है। अगला क्वेश्चन हमारा है और दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच प्लेयर वन विमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विमेन कैटेगरी में कौन जीता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की ही लड़की है और उसका नाम है एशले बार्टी। एशले बार्टी, एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया था। और एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हु वन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुआ था, और इस खिताब को कौन जीता है, तो इसको जीता है PV Sindhu, द वन एंड ओनली PV Sindhu। PV Sindhu ने ये जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट दैट वॉज ऑर्गेनाइज इन लखनऊ, एंड PV Sindhu वन दिस प्रेस्टीजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको आपको पसंद आया होगा, आप जरूर लाइक करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अल्टीमेट हैं, इनका कोई जवाब नहीं है, आप इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कभी भी बिल्कुल नहीं आप कर सकते, और इसको बहुत सीरियसली लेना, आप ज़रूर नोट्स बना लेना, अगर नोट्स ना बनाएं तो एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले वीडियो को फिर से ज़रूर देख लेना ताकि रिवाइज हो जाए, आपके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहेगा, इन क्वेश्चंस में से आएंगे ज़रूर, आई प्रोमिस यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं एक बार आपको फिर बोलूँगा, मैं अगली बार जब आऊँगा तो आपको नेशनल इंटरनेशनल लेके आऊँगा और उसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा, फिर जो हमारा वीडियो आएगा वो मिलिट्री एक्सरसाइज पे आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप रेडी रहिएगा कोई भी चीज़, ठीक है, मैं आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, तो मैं कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, और आप लोग जो है इस वीडियो को आप बिल्कुल सीरियसली देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा आर्मी ऑफिसर सेकेंडरी, उसको ज्वाइन भी करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए